हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक और एक क्वेश्चन आपके कॉस्टशीट इस चैप्टर से जहां पर आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्टशीट भी बनाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको कॉस्टशीट रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और उसी के नीचे आपको दूसरा एस्टिमेटेड शीट प्रिपेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और उसकी मदद से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो पहले हम लोग नॉर्मल जो हमारा पहला इनफॉमेशन दिया उससे हम लोग पहले फर्स्ट कॉस्ट शीट बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है वो बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन देखेंगे ठीक है so, सो यहाँ पे देखिए बोला क्या क्वेश्चन में सुपरविजन कंपनी फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स 1000 थाउजेंड टी वी सेट्स मतलब नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है आपका वो कितना है 1000 थाउजेंड टी वी सेट्स है मैनुफैक्चर्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर तो यहाँ पे उन्होंने बोला 1000 यूनिट मैनुफैक्चर किया और 1000 यूनिट ही सेल किया है मतलब यहाँ पर कोई ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है राइट right? तो आपको सारे पूरे सम में राइट right? आपका जो नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा वो क्या रहेगा वन थाउजेंड यूनिट्स रहेगा ओके okay? अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है मटेरियल दिया हुआ है पहले तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा फिर डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है आपको तो ये आपका डायरेक्ट वेजेस में आएगा फिर पावर एंड स्टोर्स राइट ये कहाँ पर आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवर एट्स इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवर एट्स फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री ओवर एट्स कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क ये भी क्या होता है फैक्ट्री ओवर एट्स में आता है फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये आपका ऑफिस ओवररेट्स में आ जाएगा फिर आपको बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवररेट्स सेल ऑफ़ स्क्रैप राइट तो सेल ऑफ़ स्क्रैप कहाँ पर आता है आपका जो फैक्ट्री ओवरेट्स होता है राइट जहाँ पे आप सारे फैक्ट्री के खर्चे लिखते हो उसी में आपको सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो माइनस करना होता है right? राइट फिर आपको बोला है सेल ऑफ वन थाउजेंड सेट्स तो सेल का वैल्यू भी दे दिया है आपको यहाँ पर फिर आपको बोला है रिपेयर एंड अप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तो ये जो है मशीनरी फैक्ट्री का एसेट है इसीलिए जो रिपेयर एंड डिप्रिसिएशन है ये हम लोग ऑफिस अपना सॉरी फैक्ट्री ओरट्स में शो करेंगे ठीक है तो आइए पहले इसकी मदद से हम लोग पहला फर्स्ट कॉस्टशीट प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे देखो क्या बोला उन्होंने प्रिपेयर द कॉस्टशीट ऑफ द अबव ईयर शोइंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट राइट हमें कॉस्ट पर यूनिट भी कॉलम बनाना पड़ेगा राइट right? और प्रीपेयर ऑल्सो एन एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट तो दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए तो पहले हम लोग फर्स्ट ईयर का जो है ये कॉस्ट शीट लिख लेते हैं अब यहाँ पर हमें ईयर का नाम तो दिया नहीं है बट खाली एक पता है कि एक कोई तो फर्स्ट ईयर है और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन दिया वो नेक्स्ट ईयर का है तो हम लोग ईयर के जगह पर डैश रख देंगे राइट right? तो ऊपर लिख देते हैं टॉप में ये हमारा एट क्वेश्चन है जो हम कवर कर रहे हैं कॉस्टशीट फॉर द ईयर एंडेड राइट ईयर का नाम नंबर नहीं दिया हमें इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं ऐसे ही रख रहे हैं राइट right? और यहाँ पे हेडिंग्स पुट कर देते हैं ओके okay? और वन बाय वन हम इस फिल करना शुरू करते हैं सेकेंड जो होगा वो भी हमारा वो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्टशीट होगा यानी कि नेक्स्ट ईयर का बट वो हम लोग इन्फॉर्मेशन बाद में रीड करने के बात करेंगे उसे तो सबसे पहले फर्स्ट इन इन्फॉर्मेशन को जैसे हमने डिस्कस किया है वो पुट कर लेते हैं सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल लेना है हमें एटीन लाख रुपीज़ नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमको बोल दिया है क्वेश्चन में 1000 थाउजेंड यूनिट्स है तो 18 लाख को 1000 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा 1800 फिर सेकेंड हेडिंग आता है डायरेक्ट वेजेस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 उसके बाद आपको नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसिस आता है बट क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसिस नहीं दिया है इसीलिए आप डायरेक्टली ये दो को ऐड कर लेंगे और वो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट तो इन दोनों को ऐड करके 28 लाख होगा 1000 थाउजेंड यूनिट से आपका डिवाइड करने पर आपको हो जाएगा टू फिर आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेने हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको देखिए सारे फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस है वो हम शो करेंगे तो पहला दिया है ऑफ पावर एंड सब स्टोर्स अमाउंट दिया है टू लैख फोर्टी अब हरेक का मैं नहीं निकाल रहा हो हम टोटल निकालने का एक साथ डिवाइड कर लेंगे ठीक है और अगर आप चाहो तो एक एक का भी डिवाइड करके निकाल सकते हो बट यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा ओके फिर इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है आपको कितना थ्री लाख रुपीज़ फिर आपको दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क राइट सिक्सटी थाउज़ेंड वो लेना है हमें अच्छा यहाँ पे पहले ये टू लाख रुपीज़ ले लिया तो ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट ऑफिस ये तो बाद में आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बाद में आएगा सेल ऑफ़ स्क्रैप हमें माइनस करना होता है right? राइट अच्छा तो उसके बाद और कुछ बचा है सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने वाले हैं तो उसके पहले ये ले लेते ले हैं अभी कॉस्ट ऑफ़ रेक्टिफाइंग डिफेक्टिव वर्क सिक्सटी थाउजेंड अब हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करने वाले बिकॉज़ फैक्ट्री के लिए और कोई आइटम बचा नहीं है तो हम लोग इसमें से सेल ऑफ़ स्क्रैप माइनस करते अमाउंट दिया हुआ है फोर्टी थाउजेंड तो इन सभी का टोटल करेंगे और इसमें से फोर्टी थाउजेंड आपको लेस करना है तो आपको क्या है टोटल वर्क्स कॉस्ट कितना है वो पता चलेगा वर्क्स ओवर सॉरी कॉस्ट नहीं वर्क ओवर यानी कि फैक्ट्री के टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं और वो आपको आ जाएगा एट लाख एटी थाउजेंड ओके तो अभी आपका जो प्राइम कॉस्ट आया था ट्वेंटी एट लाख उसमें ये एट लाख एटी थाउजेंड प्लस हो जाएगा तो आपको टोटल वर्क्स कॉस्ट कितना है वो पता चलेगा ठीक है तो इसको पर यूनिट निकालने के लिए डिवाइड करता हूँ पहले 1000 से तो ये 880 आ जाएगा और उसके बाद हम लोग वर्कस कॉस्ट निकाल रहे हैं जहाँ पर 28 लाख ,00 प्लस ये फैक्ट्री के टोटल खर्चे एट लाख एटी थाउजेंड आपको देगा थर्टी सिक्स लाख एटी थाउजेंड वन थाउजेंड से डिवाइड करने पर ये आपको मिल जाएगा थ्री ओके इसके बाद आपको क्या करना है ऑफिस ओवर रेट्स जो कि आपको दिया हुआ है राइट सिक्स इसे भी वन से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा सिक्स उसके बाद ऑफिस ओवर में ये एक ही है तो इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा टोटल ऐड करने पर आपको ये मिलेगा फोर्टी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड वन थाउजेंड यूनिट से आपको डिवाइड करना है तो आपको अमाउंट आएगा फोर थ्री सिक्स जीरो इसके बाद आपके सेलिंग ओवर आते हैं राइट फॉर्मेट के हिसाब से तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है बट क्वेश्चन में आपको ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया है इसीलिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर जो कि आपको दिया हुआ है वन थाउजेंड थाउजेंड 1000 से डिवाइड करेंगे इससे तो अगेन ये आ जाएगा आपको 120 ट्वेंटी अभी सेलिंग ओवर को आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस कर देना होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल अमाउंट आएगा आपको फोर्टी फोर लैक एटी थाउजेंड वन थाउजेंड से डिवाइड करने पर ये आपको आ जाएगा फोर फोर एट जीरो फिर आपको प्रॉफिट लेना है और उसमें सेल्स आप प्लस करेंगे राइट तो आपको ये मिल जाता है बट प्रॉफिट आपको दिया नहीं है लेकिन सेल्स का इन्फॉर्मेशन आपका आपको दिया हुआ है ठीक है तो प्रॉफिट हमें आता है प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल्स मिलता है बट प्रॉफिट हमें पता नहीं है तो यहाँ पे एनिमेशन में थोड़ा सा जल्दी आ गया ये बट हम लोग पहले सेल्स लिखेंगे ठीक है देखिए मैं आपको बताता हूँ सेल्स का टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है सिक्सटी टू लैख राइट वन थाउजेंड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड और इसको जब आप बैलेंस करेंगे राइट right? तब आपको ये मिलेगा राइट सिक्सटी टू थाउजेंड सॉरी सिक्सटी टू लैख डि माइनस फोटी फोर लैख एटी थाउजेंड आप करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट का अमाउंट देगा ठीक है यूनिट्स तो वन थाउजेंड ही रहने वाला है डिवाइड करोगे जब आपको तो मिलेगा वन सेवन टू जीरो तो ये हुआ हमारा कॉस्टशीट जैड जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ इसके हिसाब से अब आपको न्यू शीट बनाना है जिसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे क्वेश्चन में दिया गया है तो आइए क्वेश्चन में के हिसाब से रीड करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को तो पहला बोला है मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट वेजेस राइट कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाई टेन एंड फिफ्टीन रेस्पेक्टिवली दस परसेंट और फिर पंद्रह परसेंट से ये बढ़ गए तो आपको याद रखना है हमेशा पहले आप डायरेक्ट मटेरियल ले रहे हैं अब ये टेन परसेंट या फिफ्टीन परसेंट जब आप बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ये सब में तो आपको पर यूनिट में हमेशा ऐड करना है हमेशा किस में ऐड करेंगे पर यूनिट में तो कैलकुलेटर ले लीजिए कैलकुलेटर में आप पर यूनिट ले लें पहले वन है उसमें आपको कितना परसेंट ऐड करने बोला टेन परसेंट तो जब वन थाउजेंड एट हंड्रेड में आप टेन परसेंट ऐड करते हो तो आपको नया पर यूनिट मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू वन नाइन एट ज़ीरो ओके रही बात यूनिट की तो यूनिट के लिए देखो आपको पूरा रीड करना होगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर फोर में कहा है उन्होंने वन थाउजेंड टी सेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट रुपीज सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इच इन द नेक्स्ट ईयर मतलब नए ईयर में आपका जो यूनिट्स है वो चेंज हो गया है पहले आप वन यूनिट ले रहे थे अभी आप कितना लेने वाले हो वन लोगे ठीक है तो पर यूनिट आपको समझा पहले ये क्या किया हमने जो हमने ऐड किया है टेन वो अमाउंट में नहीं हमने पर यूनिट में ऐड किया है ओके तो so, इसमें ऐड करके आपको नया पर यूनिट मिल गया है इसे आप 1500 थाउजेंड यूनिट्स बोला है यहाँ पर कि नया कॉस्ट शीट जो है 1500 थाउजेंड यूनिट्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है तो वो हम लोग ले लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट आएगा दैट इज़ ट्वेंटी नाइन लैक इसके बाद आपको सेम चीज़ करना होगा डायरेक्ट वेजेस में उन्होंने बोला है फिफ्टीन इंक्रीज़ हुआ है तो ट्राई कीजिए वन थाउजेंड में आप पहले फिफ्टीन ऐड करेंगे तो दैट विल गिव यू राइट आपका जो डायरेक्ट वेजेस के लिए वो आपको मिल जाएगा वन वन फाइव जीरो अगेन उसे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको अमाउंट आएगा सेवनटीन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ है नहीं बिकॉज पहले था नहीं उससे हिसाब से कुछ बता नहीं सकते तो ये दोनों को ही ऐड करना है आपको अगेन प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा दोनों को ऐड कर कर यूनिट सेम रहेगा राइट right? और इनको डिवाइड करके भी ले सकते हो या इन दोनों के पर यूनिट को ऐड करोगे तो भी वही आएगा आपको थ्री वन थ्री जीरो अब आपको लेना है नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स राइट फैक्ट्री ओवरहेड्स बट फैक्ट्री ओवर के लिए देखो इन्फॉर्मेशन क्या बोला है फैक्ट्री ओवर विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एट लास्ट ईयर तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा राइट ये एडजस्टमेंट्स कवर करने के लिए ही हमने ये सब किया है ठीक है तो जब आपको ऐसा बोला है कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस जो है वो लास्ट ईयर का उतना ही परसेंटेज है तो इसमें क्या किया जाता है राइट तो हमारा जो वर्क ओवर है उन्होंने बोला परसेंटेज लेना है किसका डायरेक्ट वेजेस का तो लास्ट ईयर आपका जो डायरेक्ट वेजेस था वो कितना परसेंटेज था किसका फैक्ट्री ओवर राइट तो फैक्ट्री ओवरेट्स जो है वो आपका डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज था वो आपको वो लेना है राइट right? और उस हिसाब से आपका इस साल का कितना होगा वो आपको फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ तो आप इसके लिए क्या करेंगे लास्ट ईयर के इंफॉर्मेशन को पहले लेंगे तो लास्ट ईयर का आपका जो वर्क ओवर है डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस क्योंकि ये जो दो करने पर आपको परसेंटेज मिलेगा और वो सेम हम लोग लेंगे इस साल के डायरेक्ट वेजेस पर तो आपको जब भी कोई चीज़ बोला है तो लास्ट ईयर के इन्फॉर्मेशन यहां पर लिए जाएंगे इंटू करना है आपको किसके करंट ईयर के इन्फॉर्मेशन से ओके तो करंट ईयर का हमें ओवर फाइंड करना है तो वो करंट ईयर का ओवर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है आपका राइट वर्क ओवर जो करंट ईयर का फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा लास्ट ईयर का ओवर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस क्यों डायरेक्ट वेजेस सब में उन्होंने कहा है परसेंटेज किसका लेना है डायरेक्ट वेजेस का लेना है इसीलिए वो डिनोमेटर में ले रहे हैं और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस साल के डायरेक्ट वेजेस से राइट right? तो आपको मिल जाएगा इस साल का ओवरहेड्स कितना रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से देखिए वैल्यूज जो है हम लोग लेंगे लास्ट ईयर का अमाउंट था आपका एट लाख एटी थाउजेंड लास्ट ईयर का डायरेक्ट वेजेस था टेन लाख इंटू इस साल का डायरेक्ट वेजेस है सेवनटीन लाख ट्वेंटी फाइव जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा फिफ्टी लाख एटीन थाउजेंड और ये अमाउंट जो है वो हमारा इस साल का वर्क ओवर हो जाएगा यानी कि फैक्ट्री ओवर राइट तो यहाँ पर ले, ले लेते हैं फिफ्टी लाख एटी थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट से डिवाइड करके हमें रेट मिल जाएगा वन जीरो वन टू और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेक्स्ट वर्क्स कॉस्ट राइट दोनों को ऐड करना है तो आपको आएगा सिक्सटी टू लैख थर्टीन थाउजेंड वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड करके मिल जाएगा आपको फोर वन फोर टू अब इसके बाद आपको नेक्स्ट होता है ऑफिस ओवर रेट्स राइट अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अलग सी नहीं दी थी यहाँ पे हमने टोटल वर्क ओवर रेट्स फाइंड किया है ऑफिस ओवर फैक्ट्री ओवरेट्स फाइंड किया है गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऑफिस ओवर के लिए क्या कहा है उन्होंने ऑफिस एंड सेलिंग ओवर विल बी रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट तो लास्ट टाइम की तरह ही राइट यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे क्या किया डायरेक्ट वेजेस लिया है लास्ट ईयर का यहाँ पे हमें क्या लेना है अभी इसके लिए वर्क कॉस्ट लेना है यानी कि आपका सिक्सटी टू लैख थर्टीन थाउजेंड ओके तो हमें यहां पर यही चीज करना होगा राइट तो ऑफिस ओवर हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे लास्ट ईयर का ऑफिस ओवर रेट सिक्स लाख एटी थाउजेंड यहाँ पे किया वैसा राइट तो सिक्स लाख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट बोला यानी कि थर्टी सिक्स लाख एटी थाउजेंड इन इस ईयर का वर्कस कॉस्ट कितना है सिक्सटी टू लैख थर्टीन थाउजेंड जब उसे सॉल्व करोगे तो आपको ये अमाउंट आएगा लेवन लैक फोर्टी एट थाउजेंड एंड फिफ्टी फोर रुपीज़ राइट एक बार रिपीट करता हूँ ध्यान से देखिए ये लास्ट ये फॉर्मूला लिया इसी तरह लेना है आपको बट यहाँ पे मेरे पास वर्किंग शो करने के लिए जगह नहीं है तो लास्ट ईयर के पहले इन्फॉर्मेशन ले, ले लेंगे तो हमें फाइंड क्या करना है फैक्ट ऑफिस ओवर तो ऑफिस ओवर लास्ट ईयर का पहले ऊपर आएगा दैट मीन्स ध्यान से सुनिए और इसको आप लिख कर ले लीजिए चाहिए तो आपको तो लास्ट ईयर का आपको पहले ऑफिस ओवर लेना होगा दैट इज़ सिक्स लैख एटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई किसका लेने बोला है उन्होंने राइट right? आपको वर्क्स कॉस्ट का लेने बोला है तो लास्ट ईयर का वर्क्स कॉस्ट आप नीचे ले, ले लेंगे दैट इज़ थर्टी सिक्स लैख एटी थाउजेंड और उसको करंट ईयर के वर्क कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है आपको तो सिक्सटी टू लैख थर्टीन थाउजेंड आपको यहाँ पर आएगा इसके जगह पर और जब उसे सॉल्व करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो आपको रेट मिल जाएगा वहाँ पे सेवन सिक्सटी फाइव पॉइंट थ्री सेवन इसको आपको ऐड कर लेना अभी दोनों को ऑफिस ओवर और वर्क कॉस्ट को तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेवेंटी थ्री लैख सिक्सटी वन थाउजेंड एंड फिफ्टी फोर रुपीज़ ओके वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो आपको रेट आ जाएगा यहाँ पर अब इसके बाद आपको सेम तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्री सेलिंग ओवर भी बोला है वो भी लास्ट ईयर का परसेंटेज लेना है वर्क्स कॉस्ट का तो आपको सेम चीज़ करना होगा लास्ट ईयर का सेलिंग ओवर डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट तो यहाँ पर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स लैख एटी थाउजेंड इंटू करंट ईयर का वर्क्स कॉस्ट कितना है हमारा सिक्सटी टू लैख थर्टी थाउजेंड जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा टू लैख टू थाउजेंड फाइव नाइन्टी एट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो आपको रेट आ जाएगा वन थर्टी फाइव पॉइंट जीरो सिक्स अब इसे ऐड कर देना होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा राइट right? और 1,500 से डिवाइड कीजिए तो आपको रेट आ जाएगा 5.042.43. सेम यहाँ पर अगेन प्रॉफिट आपको पता नहीं है आपको यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है सेल्स के लिए उन्होंने क्या बोला है वन यूनिट्स यूनिट जो है वो कितने के हिसाब सेल हो रहा है सिक्स पर ईच के हिसाब से राइट right? मतलब आपको रेट दे दिया है तो 1500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट्स सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के हिसाब से सेल हो रहे हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका सेल्स का नाइन्टी नाइन लैख ओके और अभी आप ये नाइनटी नाइन लैख और सेवेंटी फाइव लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड सिक्स फिफ्टी टू को माइनस करेंगे जब तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा सेम तरीके से प्रॉफिट हमने यहाँ पर भी फाइन करना था बट वहाँ पर एनिमेशन में अमाउंट पहले मिल गया था हमें ठीक है तो माइनस करने पर आपको अमाउंट मिल रहा है उसे 1500 से डिवाइड कीजिए तो आपको रेट आ जाएगा 1557.57 पैसे ओके तो यहाँ पर ही यह आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट भी क्या हो गया रेडी हो गया तो यहाँ पे हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की ऑलमोस्ट कोशिश की है क्वेश्चन में तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे इन लेक्चर्स को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें बाय टेक केयर